ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। जोरदार तालियां जावेद साहब के लिए, वाओ क्या बात है। जावेद अख्तर साहब इज ऑन इंडियन आइडल, हम कितने लकी हैं, ओ माय गॉड। थैंक यू वेरी मच। जावेद साहब का सपना था बड़ा बनना, आज लोगों का सपना है जावेद साहब जितना बड़ा बनना। जावेद का अर्थ होता है अमर, हमेशा के लिए, और अख्तर का अर्थ होता है सितारा। और आज हमारे बीच है सच में एक इमॉर्टल स्टार, जिनका घर का नाम ही सिर्फ जादू नहीं जादू है, जिनका हर लफ्ज हर अक्षर लेखनी को जिन्होंने की मुनावर, जावेद अख्तर। यहाँ बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने हैं जिनके साथ मेरी बड़ी एसोसिएशन रही है, जैसे अनु मलिक साहब हैं, हम लोगों ने कितने बरसों से साथ काम किया है, हिमेश जी इनके साथ किया है, और अब एम्बिशन ये है कि इन सब के साथ भी करूँ। चुपके से ये क्या हुआ, चुपके से ब्यूटीफुल। लफ्जों ही का काम है मेरा, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे लोगों पे भी ऐसा वक्त आ जाता है कि लफ्ज नहीं मिलते, तो मैं क्या कहूँ, ये तो लड़की परफेक्ट गाती है भाई, कुछ कह ही नहीं सकते, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। वो तुम्हारी बहुत कमाल था, ये कमाल पूरा पहले से ए से जी तक सुपर, बहुत अच्छा, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। सायली, आपने मौसम बदल दिया।
स्टेज तोड़ू डांसिंग से पसीने को खाने में मिलाकर कुकिंग से आसपास की हर चीज को निगलिंग जिसने क्या क्या किया दौरान आइडल की जर्नी आशीष कुलकर्णी चंदा रे कभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे चंदा रे कभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आजा तू बादल घने चंदा रे कभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले झरने क्यों गाते हैं पंछी क्यों मतवाले हो क्यों है सावन महीना घटाओं का चंदा से पूछेंगे हम सारे सवाल निराले कभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आ जा तू बादल घने चंदा रे कभी तो जमी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये
के बताए जो है हम कही जो है हम सुनी वो बात क्या है बता मितवा किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता मितवा से मितवा ये खुद से तो ना पूछूंगा सर एक बात आपने और भी नोट की होगी कि चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बातें करेंगे अच्छा अब ये जो बेतकल्लुफी है चंदा से और ये जो एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है वो लड़का पूरे सुर में रहने के बावजूद और ट्यून पे रहने के बावजूद ये कॉन्वर्सेशनल टच ले आया ऐसा लगता था कि ही टॉकिंग टू द मून वो बहुत मुश्किल बात थैंक यू सो मच मुझे एक सवाल पूछना था जावेद सर से सर मैं और पवन जो है हमारे हम दोनों एज म्यूजिक डायरेक्टर्स डेब्यू करना चाहते हैं बॉलीवुड में मतलब कोशिश हाँ ये सर कोशिश करने वाले अरे बहुत कमाल कंपोज कर रहे हैं ये लोग बहुत अच्छा थैंक यू सर तो मुझे आपसे बस ये पूछना था कि एक सक्सेसफुल जोड़ी होने के लिए आप क्या टिप्स देंगे मैंने तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शिव हरी कल्याण जी आनंद जी इन सब के साथ काम किया है बल्कि एक जोड़ी से भी आगे एक घोड़ी और वो शंकर-एहसान-लॉय तीन है दो लोगों को कभी एक साथ काम नहीं करना चाहिए एक वो जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो और एक वो जो बिल्कुल एक जैसे हो होना ये चाहिए कि कुछ कॉमनैलिटी हो वो जो बेसिक सेंस म्यूजिक का जो अंडरस्टैंडिंग हो वो एक होनी चाहिए जो एस्थेटिक वैल्यू होती है जैसे कि कुछ सुर ऐसे लगते हैं ये सड़क के हैं ये तो सड़क पे ही गाया जाएगा गाना कोई कमरे में बैठ के तो नहीं गाएगा कुछ ऐसे होते हैं ऐसे लगता है ये बहुत शरीफाना महफिल के हैं कुछ ऐसा लगता है ये तो अकेले गाएगा सिर्फ नोट्स नो बट्स तो ऐसे ही जैसे वर्ड्स का एक मतलब होता है नोट्स का भी मतलब होता है जहाँ आप दोनों की नोट्स की सेंसिबिलिटी बेसिक एक हो लेकिन आप दोनों में बिल्कुल अलग अलग गुण हो दोनों साथ काम कीजिए अगर दोनों में वही गुण है जो दोनों में है तो साथ मत काम कीजिए फिर दो की जरूरत ही नहीं क्या बात आशीष के लिए जोरदार तालियां क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी आज आदि जी सर मैं जावेद साहब से ये बात जरूर जानना चाहता हूँ बिकॉज जावेद साहब की राइटिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी सारी फिल्में मैंने देखी है जब जंजीर के वक्त सलीम अंकल और आपने जब ये फिल्म लिखी थी अमित जी वॉज सच अ गुड एक्टर बट आई थिंक ही वॉज नॉट गोइंग थ्रू आई मीन द राइट फिल्म और व्हाटएवर तो उसके पहले ये जो अमित जी पे लैंड हुआ एंड हमें सदी का सबसे बड़ा महानायक मिला जी. जो कन्विक्शन उस वक्त आपका रहा होगा जंजीर में अमित जी को लेने का वो एक कौन सा पल था या क्या मोमेंट था या कैसे हुआ ये मैं तो जानना चाहता हूँ आई एम श्योर द ऑडियंस वांट्स टू नो बिकॉज इट इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री एक्चुअली इस कहानी का तो मैं क्रेडिट सलीम साहब को देना चाहूंगा बेसिक लाइन है और जो कैरेक्टर है एंग्री यंग मैन का वो उनका सोचा हुआ है तो अब जो हमने मनाई किस वक्त कि जब आडी बर्मन पीक पे था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पीक पे थे सुपरहिट म्यूजिक चल रही थी राजेश खन्ना द रोमांटिक सिंगिंग स्टार उस वक्त हमने
एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हीरो गाना ही नहीं गाता, जिसमें हीरो रोमांस ही नहीं करता, अनबिलीवेबल, जिसमें हीरो की कोई कॉमेडी नहीं है 73 में। तो अब ये मार्केट के खिलाफ बात थी, उस वक्त हीरो की हिम्मत थी दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना। अब ये एक टॉल सीरियस फेस का इंटेंस सा लड़का, ओके यार ये तो अलग ही है, एक तो लंबा बहुत है यार। तो इतने लंबे हीरो नहीं होते थे जी, करेक्ट। लेकिन मैं एक बात बताऊं इस बारे में, हम लोग की तो बहुत तारीफ होती रहती है, लेकिन एक इंसान जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं होता, उसका नाम है प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा ने ये कहानी ली और ये उनका पहला प्रोडक्शन होने वाला था, और ये कहानी हर सक्सेसफुल हीरो ने रिजेक्ट कर दी। लुक एट द कन्विक्शन ऑफ दैट मैन, कि हर हीरो कह रहा है कि कहानी ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा। उसने कहा कि बनाऊंगा तो मैं यही। क्या बात है, मैं सलाम करता हूँ। Wow. और उसके बाद ये बड़ा अच्छा हुआ कि हर हीरो ने रिफ्यूज कर दिया। एक मरतबा मैं कहीं कार में एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट के साथ जा रहा था, तो मैंने दिखाया कि देखो ये जो बंगला है ना, मैं इसके पोर्च में सोता था। तो कहने लगे अच्छा अच्छा। फिर आगे चली तो इधर बात हो रही थी, मैंने एक हीरो का जिक्र किया कि उन्होंने भी सुन के रिजेक्ट कर दिया था। तो कह ले अगर उन्होंने कर ली होती तो मैंने कहा फिर मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। तो ये हमारी किस्मत थी कि हमें अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर इस रोल के लिए मिला। क्या बात, क्या बात है। बात चली है तो फिर दो चीजें, एक ये और एक अरे ओ सांबा। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जी, अरे साहब आपके शोले में जो डायलॉग थे क्या बात, आप ही लिख सकते थे, अरे ओ सांबा, वाह 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 वाह। कितने आदमी थे, अरे कमाल है। मतलब ये कोई डायलॉग है इनकी तारीफ की जाए। कितने आदमी थे, वाह सर वाह, कितने आदमी थे, आपने लिख। तो कुछ होता है जब पत्ते सही पड़ जाते हैं तो सत्य सही पड़ जाते हैं। हुआ क्या, स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले के लेवल पे सांभा नाम का कोई आदमी नहीं था। अच्छा। अब जब मैं डायलॉग लिख रहा था तो एक आदमी ये कहे मेरे ऊपर सरकार ने 50,000 इनाम रखे हैं, ये छिछोरा पल्ला। ये अच्छा नहीं लगता कि वो खुद कहे, बड़ा आदमी जो है उसका क्या होता है कि उसके जो साइको फ्रेंड्स होते हैं तो बताओ इन्हें मैंने क्या किया, तो वो बताता। सिर्फ इस वजह से उस सीन में ये डायलॉग डाल दिया कि अरे ओ सांभा सरकार कितना इनाम है रखे हैं, तो वो बताएगा ना सांभा, हम खुद क्यों अपने मुंह से बोल। और जो सांभा का रोल जिन्होंने किया था उनके पिक्चर में डायलॉग 3 वर्ड का था बस जी। पूरी पिक्चर में पूरे 50,000 बस। इसके अलावा वो कभी कुछ बोले ही नहीं जी, जी। तो ये एक सिर्फ 50,000 कहलवाने के लिए डायलॉग में कैरेक्टर आ गया, और वो इतना लोगों को याद है। एक बार जावेद साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अब आ रहे हैं मोहम्मद दानिश। सानी जागा नी जानी नी नी दा दानी जागा मागा मागा सा सानी जागा नी जानी नी नी दा नी दानी दानी जागा मामा सागा मागा मादा दा मादा नी दानी जानी दा नी दा नी दा बार पादा मा मापगा गरेगा मागा पामा गरे उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना आफरी आफरी तू भी देखे अगर तो कहे
नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन उसने जाना की तारीफ मुमकिन जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांद जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी जिस्म जैसे के खिलता जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिल का शोध नशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन उसने जाना की तारीफ मुमकिन आफरी आफरी क्या रियाज है आपका क्या तैयारी है इतनी सी उम्र में क्या करने वाले हैं आप इरादा क्या आपका कुछ नहीं क्या कहें साहब ये तो एक कुछ सादाना काम था इनका और मुझे इन्होंने नुसरत साहब की याद दिला दी उसने जाना की तारीफ मुमकिन क्या बात है क्या बात है क्या बात कुछ वर्ड्स होल्ड ऑल जैसे होते हैं और ऐसे ही है कोई है बड़ा ट्रिकी वर्ड है exactly. जो आपने बिल्कुल सही गाया है वरना जहाँ कोई है वहाँ कोई गा देंगे जहाँ कोई है वहाँ कोई गा देंगे तो बिल्कुल ये सही आपने पॉइंट आउट किया है अप्रिशिएट दैट कि आपने जो लव्ज किया है ये बहुत धोखा देने वाला लव्ज है आपको उर्दू या हिंदी ये दोनों आपको कंट्रोल होना चाहिए इसलिए कि एक तरफ आप कहें कि फिर ऐसा हो गया आजकल फिर का एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है नेशनल लेवल पे बिल्कुल सर बिल्कुल मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मैं कहीं इंडिया से बाहर गया था छुट्टियों में और एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रेजोल्यूशन पास हो गया आज से हम
फिर को फिर कहेंगे मैं था नहीं सच थैंक यू दानिश आपने मौसम बदल दिया मौसम बदल दिया एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे बैंड मेंबर्स के लिए जावेद सर कैसा लगा आपको बहुत ही अच्छा लगा
मगर मैं इस गाने के बारे में अनु जी कुछ बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात। जी सर। ये चोपड़ा साहब के साथ मैंने काफ़ी एज अ स्क्रिप्ट राइटर तो काम किया ही है, 4-5 पिक्चरें की है साथ में, और गाने भी उसके लिखे हुए थे। मैं जिंदगी में जो पहला गाना मैंने लिखा वो था देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, तो ये गाना लिखने का सिलसिला उन्हीं से शुरू हुआ। एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया, कहने कि भाई एक पिक्चर है, उसमें आपसे मैं गाने लिखाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे गाने हैं और बहुत आप ही करेंगे। तो मैं ठीक है, तो हमारी उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया इस पिक्चर के बारे में, वीर जारा। तो मैंने कहा इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, तो कहले मदन मोहन जी। तो मैंने समझा ये शायद मजाक कर रहे हैं, मदन मोहन जी को तो गुजरे 25 साल हो गए, तो आप क्या कह रहे हैं। कहले भाई उनकी बहुत सारी ट्यून्स थी जो उन्होंने अपने कैसेट प्लेयर पे की हुई थी, और उसको हमने ट्रांसफ़र करा लिया है किसी तरह से, उनके जो बेटे हैं बड़े बेटे उन्होंने उन्हें संभाल के रखा था, और उन्हीं के सुपरविजन में ये हम वही ट्यून्स पे गाने करेंगे। या आपको कैसे मालूम हुआ, मुझे मालूम नहीं है, कि जो उन्होंने ट्यून गाई हुई थी ये, उसमें गालिब का यही शेर था, दिल चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, हाँ। बैठे रहें तस्वुरे जाना किए हुए, ये इस ट्यून पे उन्होंने वही गाया हुआ था 25-30 साल पहले। ओह। और उस पे मैंने ये गाना लिखा उस ट्यून पे। दूसरे इस शेर का जब आपने गाई दिया, तो इसके बारे में एक बात बताऊं जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, शेर में जो के है उसे गलत समझते हैं लोग। लोग ये समझते हैं जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, कौन से दिन, फुर्सत के रात दिन, नहीं, ये के वो है कि मैंने सोचा कि वहां चला जाऊं, तो ये के छोटा वाला है, ये है कि फुर्सत दिल चाहता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहे तसव्वुर का। ये आपको कैसे पता चला, अब आप, मैं सवाल कर रहा हूँ आप जवाब दीजिए। मेरे जो सर हैं यहाँ पे बैठे हुए मेरे हमारे ग्रूमर्स, उन्होंने मुझे सुनाया था ये कि ये पहले गाओ उसके बाद ये गाना गाओ, तो सर ने सिखाया। अब गुरुवर से तो सवाल करने की मेरी हिम्मत है नहीं, तो इस बात को अब यहीं छोड़ देते हैं। आई वुड से अरुणिता, आप इतनी तैयार सिंगर हैं कि आपको ये इतने अच्छे से पता होता है कि किस शब्द पे कितना वजन दूं, किस तरह से मैं उसे इमोट करूं। आपने जिस तरह तेरे लिए गाया ना, तेरे लिए ये जो हाँ, इसको अगर स्ट्रेट गा दें तेरे, कोई फील ही नहीं आएगा, लेकिन आपने उसको इतना फील करके, मतलब मुझे एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप मेरे लिए गा रहे हो, मतलब तेरे लिए, मतलब मेरे लिए। थैंक यू सो मच। जी को कंपोज करने में बहुत वक्त लगता है, कम से कम 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनु जी आप इजाजत दें तो, अब भैया 30 सेकंड में आप अच्छा काम कर लेते हैं, मुझसे तो जैसा हुआ है। आप ध्यान तो अब शुरू हुआ है, आप दीजिए। कैन आई रिक्वेस्ट समबडी टू गेट मी हारमोनियम प्लीज? यस। तब तक मैं आपको सुना देता हूँ। यस सर। तुमसे मिलके मुझे क्यों लगा है जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं, तुमसे कभी पहले भी था ऐसा मौसम, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं, यही मंजिल यही रास्ता था, यही हम थे यही दिल की धड़कन, दो दिलों में यही वास्ता था। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह। सर अरुणिता, आई थिंक ये आपका अब तक का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि आपको एक ब्रांड न्यू लिरिक्स और कॉम्पोजिशन मिल रही है, और वो भी जावेद साहब और अनु जी की। तुमसे मिलके मुझे क्यों लगा है, तुमसे मिलके मुझे क्यों लगा है जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं,
कभी पहले भी था ऐसा मौसम, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं। आय आय इतना बेटा गाओ। तुमसे मिलके मुझे यूं लगा है, आय हाय हाय, जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं, जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं, कभी पहले भी था ऐसा मौसम, कभी पहले भी था ऐसा मौसम, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं, यही मंजिल यही रास्ता था, यही हम थे यही दिल की धड़कन। अनु जी, इसलिए कि वो जो ऊपर का राइम है वो वापस आ जाए तो सर्कल कंप्लीट हो। जी सर। दो दिलों में यही वास्ता था, जाने क्या कहूं मुझको ये क्यों लगा है। अच्छा, तो वो ऊपर यूं लगा है, क्यों लगा है, तो आप ओरिजिनल ट्यून पे वापस जा पाएंगे। दो दिलों में यही वास्ता था। अब तुमसे मिलके मुझे क्यों लगा है ट्यून यहां लाते हैं। अच्छा, इसके बाद जी 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 के क्या कहूं मुझको ये क्यों लगा है, क्या कहूं मुझको ये क्यों लगा है, क्या कहूं मुझको ये क्यों लगा है, जैसे पहले भी हम। क्या बात है जावेद साहब, क्या बात है, क्या बात है, गाना बना तो मूड में आ गया। अब तुम्हारा टेस्ट है अरुण, अरुणिता अब आप गाइए। तुमसे मिलके मुझे यूं लगा है, जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं, कभी पहले भी था ऐसा मौसम, पहले भी फूल यूं ही खिले हैं, यही मंजिल यही रास्ता था, यही हम थे यही दिल की धड़कन, दो दिलों में यही वास्ता था, क्या कहूँ मुझको ये क्यों लगा है, जैसे पहले भी हम तुम मिले हैं। अरुणिता, आपने मौसम बदल दिया। अब आ रहे हैं पवनदीप राजन। क्या बात, बदल रही है रूप जिंदगी, छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समान कल हो न हो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां फिर से हमारे म्यूजिशियंस के लिए और हमारे भाई के लिए। सर क्या बजाते हैं आप, जेन्युइनली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किरण जी क्या बात, पवन की आवाज में मुझे एक ऐसी बात लगी जो बड़ी अनयूजुअल होती है, कभी कभी किसी सिंगर में होती है। परफेक्ट सुर होता है लोगों का, अच्छी मेलोडियस आवाज़ होती है, उनके पास कंट्रोल होता है और सही अदायगी भी होती है, लेकिन एक चीज़ है वो नेचुरल है, वो किसी सिंगर में होती है। मुकेश जी में थी, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनमें और मुकेश जी में इसके अलावा कुछ कॉमन है, लेकिन एक बात कॉमन, उनका गाना सुनिए तो ऐसा लगता है आदमी सच बोल रहा है। आप जब गाते हैं तो सच्चे साउंड होते हैं। जावेद सर, आपसे एक छोटा सा सवाल है। लोग हमेशा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ उसको किस तरह से मैं उनको जवाब दूँ, तो अगर आप मुझे कुछ इस बारे में राय दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। उसे साफ कह दीजिए कि ये मेरे पर्सनल बातें हैं, आपको कोई राइट नहीं है मुझसे सवाल करने का, आप मेरे काम के बारे में सवाल कीजिए वो मैं जवाब दूँगा, और ये आपने हिम्मत कैसे सीखी मुझसे सवाल करने की। कभी कभी आपको एक दीवार भी खींचनी पड़ती है कि दिस मच एंड नो मोर, इससे आगे आप लिबर्टी नहीं ले सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। पवन आज आपने भी मौसम बदल दिया। मैं बेबी नहीं हूं, हेलीकॉप्टर के पंख की तरह चक्कर लगाते हुए स्टेज पे आओ।
उसकी पुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा निहाल, कितना अच्छा गाया आपने। अब भैया एक कहावत है कि लंका में सभी 52 गज के थे, तो यहाँ तो सब एक से एक ही हैं और हर एक के बारे में यही कहना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा गा रहे थे आप। सर मेरी हिंदी है ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है, मतलब मैं ये कार्टून वाली हिंदी बात करता हूँ। सर मेरी हिंदी और भी अच्छा करने के लिए आपकी आपको कोई टिप्स दे सकते हैं क्या सर? आप जैसे लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, आशा जी हैं, किशोर कुमार हैं, इनके आप गाने सुनिए, आप इनसे सीखिए। आप जब उनको सुनेंगे और वो कौन सा शब्द कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप उसी से डायरेक्ट सीखिए। आपको राइटर तो नहीं बनना ना, आपको तो सिंगर बनना है, तो आप ये जबान जो है सिंगर से ही सीखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के दरबार में मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ, मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ इस लड़की से। बिल्कुल सर। सर आपका हुकुम सर आंखों पर। तो मैं हूँ झुमझुम झुमझुम रुक जरा सुना दो। वाओ, हो जा, हो जा। God. ये मुझे लड़की कंप्यूटराइज लगती है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मशीन है सर, जी। रोबोट है। शर्मुखा आपने मौसम बदल दिया। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.